इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप BRC कॉइन को एल बैंक से कैसे बाय कर सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और सब लोग यही सवाल कर रहे थे, जोहे भाई हमने BRC कॉइन को खुद से कैसे बाय करना, यानी अगर हम खुद चाहते हैं कि एल बैंक से हम खुद BRC कॉइन बाय करें तो कौन सा तरीका होगा जिसको हम फॉलो करके कॉइन को इजीली बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक तो आप कॉइन को कैसे बाय कर सकते हैं और उसके बाद आप सबको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, अगर आप सब उसको फॉलो करते हैं तो BRC कॉइन का रेट डेफिनेटली ऊपर जाएगा, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि BRC कॉइन का रेट नीचे क्यों आ रहा है मुसलसल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दें सब्सक्राइब। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं, आपको एल बैंक पर अकाउंट बनाना होगा। अब एल बैंक क्या है? एल बैंक एक एक्सचेंज है जो दुनिया की 27 बड़ी एक्सचेंजेस में से एक है। आपने सिंपल गूगल प्ले स्टोर में जाना और यहाँ पर लिखना है एल बैंक। अगर आपके पास आईफोन है तो फिर भी मसला नहीं है, सेम आपने अपने एप्पल स्टोर में जाना और यहाँ पर लिखना है एल बैंक। आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी, तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। अब इंस्टॉल होने के बाद आपने सिंपल कर लेना है इसको ओपन, ठीक है। अब ये वो एक्सचेंज है जहाँ पर BRC कॉइन लिस्ट है, यहाँ से हम BRC कॉइन को बाय करेंगे और उसके बाद हम डिपॉजिट कर देंगे अपने BRC वाली एप्लीकेशन में और वहाँ पर स्टेकिंग लगा देंगे। तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें डॉलर चाहिए होंगे, क्योंकि इस एक्सचेंज में डॉलर आप नहीं बाय कर सकते, डॉलर आपको मंगवाने पड़ते हैं, यानी इसमें P2P नहीं है। जैसे बाइनेंस में हम डॉलर बाय कर लेते हैं, यहाँ पर वो सीन नहीं है। तो आपको चाहिए होंगे डॉलर। डॉलर आप बाइनेंस से भी मंगवा सकते हो या आप अपने मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट किसी भी वॉलेट से मंगवा सकते हो, बस आपने वो यहाँ पे डिपॉजिट करने हैं। तो वो भी मैं आपको सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ कि हमने अपने डॉलर्स को एल बैंक में कैसे डिपॉजिट करना है। अभी देखें दोस्तों, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है वॉलेट का, ठीक है। आपने वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है जी डिपॉजिट। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है डिपॉजिट, क्योंकि मैं डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डॉलर डिपॉजिट करूंगा और उन डॉलर से मैं BRC कॉइन को बाय कर लूंगा। तो मैं डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि आप क्या चीज़ यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हो, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दूंगा USDT, ठीक है, क्योंकि मैं USDT को ही डिपॉजिट करना चाहता हूँ। मैंने USDT के ऊपर क्लिक किया। अब USDT के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, इसको आपने स्किप कर लेना है, बस आपने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास अपने वॉलेट में या बाइनेंस में डॉलर USDT BEP20 पड़े हुए हैं तो आपने USDT BEP20 को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास USDT TRC20 है तो आपने ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मेरे पास बाइनेंस में डॉलर पड़े हुए हैं इसलिए मैं BEP20 कर लूँगा, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ जी BEP के ऊपर क्लिक। मुझे एड्रेस मिल गया है USDT का BEP नेटवर्क में, ठीक है। इसको मैं सिंपल कॉपी कर लूँगा यहाँ से। वो मेरे डॉलर पड़े हुए हैं अपने बाइनेंस में, मैं बाइनेंस ओपन कर लेता हूँ। मैं वॉलेट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। वॉलेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, आगे मेरे सामने आ गया ओवरव्यू स्पॉट फंडिंग, ठीक है। तो मेरे जो डॉलर हैं वो पड़े हुए हैं फंडिंग में, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ पर इसको कर लेना है विड्रा, ठीक है। यहाँ से मैं अपने डॉलर्स को निकलवाना चाहता हूँ। जब सेलेक्ट करेंगे तो आपसे फिर ये पूछा जाएगा कि अपने कौन से नेटवर्क पे विड्रॉल लेना है। तो वहाँ पर मैंने क्या सर्च किया था, वहाँ पर मैंने USDT BEP20 किया था, इसलिए मैं यहाँ पर भी अपना जो नेटवर्क है वो सेम रखूँगा। ये आपने ध्यान कर लेना है कि कोई नेटवर्क चेंज ना हो। और ये सिंपल सिंपल चीज़ें, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको यहाँ तक मुश्किल लग रहा है तो फिर या तो आपने वीडियो दोबारा देख लेनी है या फिर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ तक मैंने कुछ मुश्किल नहीं बताया। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्रिप्टो नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे, आपने वो जो एड्रेस कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट कर दूंगा। अब नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेटवर्क आपका सेम होना चाहिए। तो ये मैं कर लेता हूँ BEP20। तो यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं कितने डॉलर्स को विड्रा करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर 5 कर लेता हूँ कि मैं $5 का विड्रॉल चाहता हूं अपनी एल बैंक में, ठीक है। एल बैंक का मैंने यहां पर एड्रेस लगा दिया, उसके बाद मैंने नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, यहां पर मैंने क्वांटिटी लिख दी कि मेरे $5 मुझे विड्रा चाहिए। सिंपल इसको कर लूँगा विड्रा। अब जैसे ही मैंने विड्रा के ऊपर क्लिक किया, मैं मुझे यहां पर एक दफ़ा कन्फर्म करना होगा, तो मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। तो अभी तक मेरा विड्रॉल जो है वो प्रोसेसिंग में है। जैसे ही ये प्रोसेसिंग से हटेगा, यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा या फिनिश आ जाएगा। तो अभी मैं वेट कर लेता हूँ, कोई 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। यहाँ पे विड्रॉल मेरा कंप्लीट हो चुका है और मुझे ईमेल भी आ चुका है, एल बैंक में डिपॉजिट हो चुका है और बाइनेंस से विड्रॉल हो चुका है। देखें, बाइनेंस से मेरे डॉलर कट चुके हैं और एल बैंक में डिपॉजिट हो चुके हैं 4.67, ठीक है। मैं अपना एल बैंक चेक कर लेता हूँ दोबारा से जाके। ये मैं एल बैंक में आ गया और एल बैंक में अभी मैं वॉलेट पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि मुझे $4.67 रसीव हुए हैं या नहीं हुए।
जी मुझे डॉलर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको शो भी हो रहे हैं 4.67 और यहाँ पर भी आपको शो हो रहे होंगे। अब डॉलर जब आ जाएंगे आपके एल बैंक में तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल BRC को बाय करना है। आपने चले जाना है यहाँ पर ट्रेड में, ठीक है। ये ट्रेड के ऊपर मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया, अगर तो आपका यहाँ पे BRC ही शो हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं शो हो रहा तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने ये सर्च बार जो है यहाँ पर आपने लिखना है BRC, ये जी मैंने BRC के ऊपर क्लिक किया और मेरे सामने ये वाला पेज आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने BRC को बाय करना है तो मैं बाय के ऊपर ही क्लिक करूँगा। अगर तो सेल करना होता तो मैं सेल के ऊपर क्लिक करता, लेकिन मैंने बाय के ऊपर क्लिक करना है। आपने लिमिट के ऊपर क्लिक करना है और आपने मार्केट कर देना है। तो मार्केट का मतलब ये है कि जो इस टाइम मार्केट में प्राइस चल रही है BRC की, उसी में ही आपके बाय हो जाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम में आने के बाद आपने उतने डॉलर लिखने हैं जितने डॉलर के आप BRC बाय करना चाहते हैं। तो मेरे अकाउंट में आपके सामने शो हो रहे हैं 4.67, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4.67, ठीक है। अब ये लिखने के बाद मैं कर लेता हूँ बाय, ये जी मैंने बाय कर लिया। अब मैं अपने वॉलेट में चेक करता हूँ कि मुझे BRC रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। तो मैं वॉलेट में आ गया और वॉलेट में जैसे ही मैं आया, यहाँ पर देखें BRC कॉइन आपको शो हो रहे होंगे 5.60, जो कि बनते हैं एक्चुअल में 4.65 डॉलर के, ठीक है। तो ये हैं जी वो BRC कॉइन जो कि मैंने आपके सामने बाय किए हैं। अब मैं यहाँ पर बाय तो मेरे हो गए हैं, मैं क्या करूँगा, मैं इनको विड्रॉल करवा लूँगा अपनी BRC वाली एप्लीकेशन में। तो ये मैं वापस आ जाता हूँ अपनी BRC वाली एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आने के बाद आपने वॉलेट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ये जो आपको वॉलेट वाला ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन और मिलता है रिसीव वाला, तो बस आपने रिसीव के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मेरे पास ये एड्रेस आ गया, मैं अब चला जाऊंगा अपने एल बैंक में। तो यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल BRC के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने इसको विड्रा करना है, ठीक है। विड्रा के लिए विड्रा के ऊपर ही क्लिक करेंगे, ये विड्रा हो गया। तो जैसे ही आप विड्रा के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने तीन चार चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि नेटवर्क है, नेटवर्क में आपने BRC स्कैन ही रहने देना है, इसको क्लिक करेंगे और सामने आपके BRC स्कैन आएगा, वो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने वो एड्रेस पेस्ट कर देना है जो कि आपने वहाँ से कॉपी किया है, और यहाँ पर आपने उतनी अमाउंट लिखनी है जितने BRC कॉइन अपने एप्लीकेशन में आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो मेरे पास 5.60 है और मैं सारे के सारे करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऑल कर दूँगा। यहाँ पर सेलेक्ट नेटवर्क कर लेते हैं BRC स्कैन, क्योंकि इनकी अपनी ब्लॉकचेन है, इसलिए मैं यही कर दूँगा। जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अमाउंट में मैं आल कर देता हूँ, ठीक है। आल के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे सारे के सारे BRC कॉइन सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं सिंपल विड्रा के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये कन्फर्म हो गए। और यहाँ पर मेरे ईमेल पे कोड आएगा, वो कोड मैंने यहाँ पे लगा देना है। उसके लिए आपने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना और आपके ईमेल पे कोड चला जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पे लगा के कन्फर्म कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल कन्फर्म कर देना है, ये मैंने कन्फर्म कर दिया और मेरा जो विड्रॉल है वो पेंडिंग में आ चुका है। जैसे ये स्टेटस फिनिश हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब है कि मेरी BRC वाली एप्लीकेशन में कॉइन चले गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 4.60 4 मुझे रिसीव हो चुके हैं, और मुझे ईमेल आ चुका है एल बैंक की तरफ से कि आपका जो विड्रॉल है वो रिक्वेस्ट आपकी सक्सेसफुली हो चुकी है। 4.60 जो आपके BRC थे वो विड्रॉल हो चुके हैं। ये था वो सिंपल तरीका जिसमें मैंने आपको बताया कि आप एल बैंक से डायरेक्ट खुद BRC कैसे बाय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे ब्लॉगिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आप मेरे चले जाएंगे दूसरे चैनल पे, तो वहाँ पर जाके आप मज़े के व्लॉग देख सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।